हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी जोन इस वीडियो में हम 1 से 31 जुलाई 2021 के बीच में बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन आपके आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें इसमें स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है प्रदेश का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर बनेगा यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये बनेगा गांव नंगल में अंबाला कैंट में अंबाला कैंट भी याद रखें और गांव का भी नाम भी याद रखें गांव नंगल अंबाला कैंट पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन है हिसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा तो ये रखा जाएगा महाराजा अगरसेन के नाम पर और महाराजा अगरसेन की जो है अग्रोहा कर्म भूमि थी और इन्हें जो है अनोखे समाजवाद का जनक भी माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगर भानी पहाड़ी जंगल हरियाणा के किस जिले में है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है मंगर भानी पहाड़ी जंगल नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा में कहां पर गुफा चित्रों की खोज की गई जो एक लाख वर्ष तक पुराने हो सकती है तो केव पेंटिंग्स पाई गई है हरियाणा में गुफा चित्र पाए गए हैं जो एक लाख वर्ष तक पुराने हो सकते हैं तो ये पाए गए हैं मंगल बानी मंगल बानी पहाड़ी जंगल में कहाँ पर ये फरीदाबाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आएगा नेक्स्ट है हरियाणा वन महोत्सव द्वारा बेहतरवा राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया तो ये मनाया गया जगाधरी यमुनानगर में और प्रदेश में इस वर्ष तीन करोड़ तीन करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और बेहतर वे वन महोत्सव के अवसर पर कौर गुजर ने अरावली द लास्ट फ्रंटियर एंड धरो नामक स्मारिका का विमोचन किया नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला एरो म्यूजियम कहां पर बनाने की योजना है तो ये याद रखिए ये देश का पहला एरो म्यूजियम है जो गुरुग्राम में बनाने की योजना है और वही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ज्योतिराद्य सिंधिया नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी मिल के वेस्ट से इथेनॉल बनाने का प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार हो गया तो ये चीनी मिल है इसके वेस्ट से जो इसका जो है बेकार मटेरियल होगा उससे इथेनॉल बनाया जाएगा और इथेनॉल का प्रयोग जो है डीजल और पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा इससे जो कच्चे तेल का जो आयात है वो कम करना पड़ेगा और वही इथेनॉल के मिक्स होने से जो पोल्यूशन है वो लगभग जो है पैंतीस प्रतिशत कम हो जाएगा और ये जो है पहला इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है सरस्वती सुगल मिल में और कहां पर ये है यमुनानगर में और वही प्रतिदिन इससे जो है एक लाख लीटर एक लाख लीटर उत्पादन किया जाएगा सरकार ने संस्कृत भाषा में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वानों को कौन सी सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है तो ये है हरियाणा रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा वहीं हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है? यह है डॉक्टर दिनेश शास्त्री डॉक्टर दिनेश शास्त्री नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य के कितने जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे तो ये बनाए जाएंगे आठ जिलों में आठ जिले कौन कौन से हैं नारनौल पलवल पानीपत जज्जर जींद नू फतेहाबाद और रेवाड़ी और इनके निर्माण में लगभग सौ करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इनमें जो है सैनिक विश्राम गृह जिला सैनिक और अर्थ सैनिक कल्याण कार्यालय सामुदायिक हाल पोलिक्लीनिक सी कैंटीन और अन्य तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है जठलाना गांव में वर्ष अठारह के करीब बने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के नव निर्माण कार्य यानी इसकी रिपेयरिंग चल रही थी कार्य के दौरान भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के नीचे किस वर्ष के एक एक रुपये के दो सिक्के मिले तो ये दो सिक्के प्राप्त हुए और इन सिक्कों पर जो है महारानी विक्टोरिया की फ़ोटो है और ये सिक्के भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान के हैं और किस वर्ष के है ये एक अठारह सौ चालीस का है और एक अठारह सौ छिहत्तर का है तो ये सन आप याद रखें किस गांव में प्राप्त हुई है जठलाना गांव में श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना किस कक्षा के विद्यार्थियों के नवाचारी प्रोत्साहन हेतु अनुभव योजना है तो ये जो है विज्ञान में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए ये योजनाएं हैं और ये है छठी से दसवीं के छात्रों के लिए और इंस्पायर योजना इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 13 दिसंबर 2008 को की गई थी इंस्पायर की फुल फॉर्म भी है याद रखें इंस्पायर योजना इनोवेशन इन साइंस Persuade for inspired research. इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में संदीप टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे तो संदीप जो है हरियाणा से बिलोंग करते हैं इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं और ये भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत है वहीं ये किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे पैदल चाल में 18 से 23 जुलाई तक कहां पर चौथी यूथ नेशनल बॉक्सिंग करवाया गया तो ये करवाया गया सोनीपत में नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतक जिले के इसमाइला गांव की रहने वाली नीरू खत्री ने चौथी यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है तो यह जीता है सिल्वर मेडल कितनी वेट कैटेगरी में बावन किलो वेट कैटेगरी में नेक्स्ट है पहलवान विजेंद्र सिंह ने कितने अथोड़े के वार सहने का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पंद्रह सौ के वार सहन करने का और किस उद्देश्य से ये बनाया तो शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ये देश को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं तो ये बने बंडारू दत्तात्रेय बंडारू दत्तात्रेय और इससे पहले ये जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के कौन से राज्यपाल बने हैं तो ये हरियाणा के जो है अठरवे राज्यपाल बने हैं और वहीं जो है इन्हें जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई गई और ये कौन है जस्टिस रविशंकर झा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है जस्टिस रविशंकर झा तो राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये किस अनुच्छेद में ये अनुच्छेद एक सौ सत्तावन में है, है संविधान के तो योग्यताएं भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो तो ये इसकी योग्यताएं होंगी और वहीं अनुच्छेद 55 के अनुसार 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी लेकिन वास्तव में जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की के सिफारिश पर की जाती है तो ये अनुच्छेद आप याद रखें हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल चेंज किए गए हैं तो इनसे रिलेटेड अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं और वही भंडारू दत्तात्रेय मूल रूप से कहा के रहने वाले हैं मूल रूप से ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और वही इससे पहले हरियाणा के पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया तो ये बनाए गए हैं तिरुप्रा के राज्यपाल नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरसी वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्रेयास द्विवेदी का इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब किसको संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति का कार्यभार दिया गया तो संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति बनाए गए हैं प्रोफेसर राजकुमार मित्तल और संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है यह है कैथल के गांव मुंदड़ी में तो आप कैथल जिला याद रखें और गांव मुंदड़ी और ये हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है वहीं प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ये चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं राजवीर सिंह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सोमनाथ सचदेवा ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति हैं टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक कौन होंगे तो ये होंगे एम सी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह ये और भी दोनों तो ये पहली बार है जब दो खिलाड़ी जो है ओलंपिक में ध्वज वाहक होंगे एक महिला खिलाड़ी है एक पुरुष खिलाड़ी है और ऐसा जो है लैंगिक समानता को आश्वस्त करने के लिए किया गया है वही एम सी मैरीकॉम ये जो है मणिपुर की रहने वाली है मनप्रीत सिंह ये पंजाब के रहने वाले हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं मणिपुर की टोक्यो ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में वो था उद्घाटन समारोह ये समापन समारोह में हरियाणा के कौन से खिलाड़ी भारतीय ध्वज अपने हाथों में संभालेंगे तो ये है पहलवान बजरंग पुनिया ये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक खेल कब से कब तक खेले जाने वाले हैं तो या, ये खेले जा रहे हैं यह है तेईस जुलाई से आठ अगस्त के बीच में हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने पर कितनी नगद राशि प्रदान की जाएगी तो स्वर्ण पदक विजेता को छह करोड़ रुपए मिलेंगे रजत पदक विजेता को चार करोड़ रुपए मिलेंगे और कांस्य पदक विजेता को ढाई उधा करोड़ रुपए मिलेंगे जापान में होने वाले टोक्यो पैरोल्पिक्स गेम्स के लिए हरियाणा के किस जिले के निवासी जेवलियन थ्रोर टेकचंद को टिकट मिला टेकचंद किस खेल से संबंधित है बाला फेंक से संबंधित है जेवलियन थ्रो से संबंधित है और ये पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं पैरा एथलीट हैं और ये रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं नेक्स्ट है, है डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद सुमित मलिक पर कितने साल का बैन लगा दिया गया तो ये लगाया गया दो साल का सुमित मलिक हरियाणा से बिलोंग करते हैं हरियाणा के रोहतक जिले के ये रहने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार राज्य में पुलिस फायर और एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी आपातकालीन सेवाओं के लिए कौन सा एक संयुक्त नंबर शुरू किया है तो ये किया है 112 प्रोजेक्ट किया डायल 112 प्रोजेक्ट तो 112 नंबर है और वहीं इस नंबर से जो है पुलिस सेवा फायर सेवा एम्बुलेंस सेवा ये सभी सेवाएं जो है मिलेंगी और ये इन सभी का एकीकरण है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला से इस नंबर की शुरुआत की है किसके द्वारा शुरुआत की गई है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा डायल एक सौ बारह परियोजना के तहत कहां पर एक अत्याधुनिक स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित किया गया है तो ये किया गया है पंचकुला में और यहां पर चार भाषाओं को समझने वाले लोग नियुक्त किए गए हैं हिंदी इंग्लिश हरियाणवी और पंजाबी 10 से 12 जुलाई 2021 तक हरियाणा में फल महोत्सव फल उत्सव या फल मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया तो यह किया गया कुरुक्षेत्र के लाडवा में और वहीं हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है जेपी दलाल नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा कहाँ पर रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर स्थापित किए गए हैं तो ये किए गए हैं कॉलेजों में और सरकार द्वारा जो है सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा पहले से दे चुकी है और वहीं जो रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर है इनमें जो है रोड सेफ्टी से जुड़ी किताबें भी दिलाई जाएंगी और उन सभी कॉलेजों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित होंगे जहां पर जगह उपलब्ध है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत से भी अधिक कमी लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अभियान चलाया गया आओ बने सड़क सुरक्षा सारथी आओ बने सड़क सुरक्षा सारथी हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए कितने लाख तक का बिना ब्याज वाला लोन बिना ब्याज वाला लोन मुहैया करवाएगी तो ये करवाएगी तीन लाख रुपए तक का और किनको करवाएगी ये करवाएगी उन विधवाओं को जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम है तीन लाख रुपए से कम है और वही उम्र जो है 18 से 55 वर्ष के बीच में है तो ये कंडीशन भी आप याद रखें एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है हरियाणा में देश का पहला अनाज या ग्रेन एटीएम कहां कहाँ पर शुरू किया गया ये ग्रेन एटीएम है ये शुरू किया गया फरकनगर गुरुग्राम में फरकनगर गुरुग्राम में और ये देश का पहला अनाज एटीएम है टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल एक खिलाड़ियों में से हरियाणा के कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे तो कहीं पर जो है कभी 121 खिलाड़ी लिखा रहता है कभी 120 खिलाड़ी लिखा रहता है तो जो अब लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसमें जो है एक खिलाड़ी है जिनमें से हरियाणा के जो है इकतीस खिलाड़ी हिस्सा लिया है इकतीस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है तो ये आप देख सकते हैं तो टोटल इंडिया के कितने खिलाड़ी गए हैं एक हरियाणा के कितने इकतीस तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है हरियाणा की पॉपुलेशन है दो पॉइंट दो परसेंट लेकिन कितने खिलाड़ी गए हैं प्रतिशत परसेंट में चौबीस पॉइंट चार परसेंट जो है हरियाणा के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है कहां पर सौ करोड़ रुपए की लागत से अग्रवाल समाज की कुल देवी महालक्ष्मी के मंदिर का निर्माण किया जाएगा तो यह किया जाएगा अग्रोहा हिसार में और मंदिर का डिजाइन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के आर्किटेक्चर सी.बी. सोमपाल ने तैयार किया है किसने तैयार किया सी.बी. सोमपाल ने और इन्होंने ही राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी के बाद एक माह में विवाह का रजिस्ट्रेशन करने पर दंपति को कितने रुपए दिए जाएंगे तो ये दिए जाएंगे ग्यारह सौ और एक मिठाई का डिब्बा और यह लाभ उन्हें दिया जाएगा जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानी के बिल के लिए ई गवर्नेंस परियोजना के तहत शुरू की कागज रहित बिलिंग की शुरुआत किस जिले से की है तो ये की है पंचकुला जिले से हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सभी सरकारी सेवाओं की जानकारी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है तो ये ऐप है जन सहायक आपका सहायक जन सहायक आपका सहायक ऐप वर्ष 2021 से लोक साहित्य एवं संस्कृति वर्ग के अंतर्गत लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान शुरू किया जा रहा है इसकी सम्मान की राशि कितने रुपए होगी तो लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान की राशि होगी दो लाख रुपए हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से वर्ष 2021 से हिंदी और हरियाणवी भाषा के विभिन्न विधाओं के कितने नए युवा श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार शुरू किए गए हैं तो ये है 14 और इसके तहत विजेताओं को इकतीस इकतीस हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर बीस साल से अधिक काबिज लोगों को मालिकाना हक हाँ दिलाने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत की है तो ये योजना है मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष छब्बीस जुलाई को और इस दिन जो है भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच जो है वर्ष उन्नीस में, में कारगिल युद्ध हुआ था जो लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई 26 जुलाई को जो है भारत ने इस पर विजय प्राप्त की थी 26 जुलाई को इस युद्ध का अंत हुआ था और इसलिए जो है छब्बीस जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है कब हुआ था ये युद्ध उन्नीस सौ में भारत और पाकिस्तान के बीच में हरियाणा के जज्जर के गांव जैतपुर के खिलाड़ी सुमित नागल किस खेल से संबंधित है तो इन्होंने जो है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया और पहले मैच में इन्होंने दर्ज जीत दर्ज की है और ऐसा करने वाले ये देश के तीसरे खिलाड़ी बने हैं और ये टेनिस से संबंधित है टेनिस के ये खिलाड़ी है और हरियाणा से बिलोंग करते हैं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है हरियाणा के जज्जर जिले के गांव जैतपुर ये आपके दो एक दो क्वेश्चन है इंडिया जीके के इन्हें भी आप जरूर देखें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल रजत पदक ये कहां की रहने वाली है ये मणिपुर की रहने वाली है तो राज्य जरूर याद रखें मणिपुर की ये रहने वाली है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो कर्नाटक में हाल ही में मुख्यमंत्री बदले हैं तो ये है बासवराज बोम्बई मुंबई तो ये लिंगायत समुदाय से आते हैं वहीं कर्नाटक के राज्यपाल कौन है ये है थावरचंद गहलोत थारूचंद गहलोत राज्यपाल भी याद रखे थारूचंद गहलोत और नए मुख्यमंत्री बने हैं और वहीं इससे पहले कौन थे बी एस वहीं हाल ही में जो है विश्व धरोहर की सूची में जो है का रुद्रेश्वर मंदिर या रंप्पा मंदिर को शामिल किया गया है जो कहां पर है तेलंगाना में है और वहीं धोलावीरा जो कि गुजरात में है धोलावीरा जो है हड़प्पा काल का एक शहर है इनको भी जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तो दोनों आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ कहां पर बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में नैना देवी में नेपाल के नए ने प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया तो नेपाल के नए ने प्रधानमंत्री बने भारत का पड़ोसी राज्य है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा ये बने बहादुर देवबा और ये जो है बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं पंजाब में कांग्रेस के नए पार्टी अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये बने नवजोत सिंह सिद्धू यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबला किसने जीता तो ये जीता इटली ने और इटली ने दूसरी बार यूरो कप को अपने नाम किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने 5 जुलाई को कंपनी के बेतौर सीईओ आखिरी बार काम किया अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं तो ये बने हैं एंडी जेसी किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे के निजी आवास में कुछ अज्ञात लोगों के समूह ने उनकी हत्या कर दी तो ये की हैथी के राष्ट्रपति तो ये देख रहे हैं आप जो है ये नॉर्थ अमेरिका ये साउथ अमेरिका और यहाँ पर एक कैरेबाई देश है तो ये है यहाँ पर हैती वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ थैंक यू